सो हे गाइज है करिए वेलकम टू अवर चैनल गाइज गाइज वीडियो में आगे बढ़े भाई उससे पहले बता दूँ कि ये मेन मैच का क्लिप नहीं है हमारे। इस मैच में गाइज मैंने एक हैकर को मारा था। एक्चुअली दो बंदे हैक करके टीम अप कर रहे थे तो उनमें से मैं एक को यहाँ पे मारने वाला हूँ, दूसरे को 20 HP 25 HP 25 HP बोल सकते हो उतने का छोड़ता हूँ। तो देखना अभी यहाँ पे क्या होता है। एक्चुअली मैंने एक ड्रॉप लूटा था तो वहाँ से AWM मिल गई थी और स्टार्टिंग में गाइज इस मैच के फर्स्ट जोन में ही 26 अलाइव थे। तो भाई मेरे को बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि यार माइनस ना हो जाए। तो एक बंदे को मैं मारता हूँ एक बंदे को ड्रॉप पे, फिर वहाँ से यहाँ पे आ जाता हूँ सीधा। तो देखो अभी क्या भाई थर्ड से या फोर्थ थर्ड जोन के जस्ट बाद फोर्थ जोन बना है और देख लो खाली 6 अलाइव बचे हैं यहाँ पे। तो मेरे पे AWM थी मैंने लेकिन यहाँ पे फेंक दी बिकॉज मुझे देखो सामने साइड से दो फुटस्टेप आ रहे हैं और मुझे लग रहा था यहाँ पे कुछ हो सकता है दिक्कत हो जाए, तो इसलिए मैंने दोनों क्लोज रेंज वेपन लिया। और देखो भाई कैसे बंदा पीक करके बैठा है। तो यहाँ पे देखो कोई भी लेजेंड बंदा रहता है ना तो DP लेके इतना कॉन्फिडेंस में नहीं रहता। AWM होती तो मैं मान सकता था। ऊपर से भाई साउंड से ये नहीं पता चलता कि मैं किस खिड़की पे हूँ, तो भाई मुझे यहीं पे पता चल गया। और यहाँ पे मैं अपनी AWM वापस लेके आता हूँ और यहाँ पे देखो कैसे मारता हूँ फिर से भाई। यहाँ पे AWM का एक पट्टा से हेडशॉट और बंदे का काम हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पे गाइस मैं पीक करके भी चाहता तो मार सकता था बट मेरे को पीक पे उतना भरोसा नहीं था क्योंकि देखो थोड़ा सा ना इस पिंग लॉबी में पिंग हाई जा रहा था बीच बीच में, तो मेरे को डाउट हो रहा था इसलिए मैंने ऐसे ही मारा। और यहाँ पे भाई ये दूसरे बंदे को देखो यार ना कुछ मूवमेंट ना कुछ, सीधा भाई हेड पे हेड चिपकाया मेरे को और यहाँ पे मेरा काम हो जाता है। और भाई देख लो ये बंदा जो भी है 25-30 HP में एक सर्वाइव कर जाता है और अभी यहाँ पे ये जाके इधर पेड़ों के बीच में एक बंदे को मार देता है। तो मेरे को यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि ये बंदा कुछ तो गड़बड़ है। तो देखो ओवरऑल मैंने फिर इसे रिपोर्ट करके मैं दूसरे मैच में आ जाता हूँ। तो गाइज इस मैच की बात करूँ तो ये गाइज मैं आज खेल रहा था और इस मैच में ही मेरा वापस से टॉप 100 का रैंक आ जाता है। मैं 96 रैंक पे आ गया था इस मैच के एंड होने पे। वो लास्ट का स्क्रीन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कितना प्लस लगा या समथिंग, बट हाँ इस मैच में मेरा आई थिंक 16 के अराउंड में प्लस लगा था। तो देखना आप कैसा जाता है ये मैच और कैसे मैं खेलता हूँ। और अभी के लिए गाइज बता दूँ तो स्टार्टिंग में मेरे को यहाँ पे एक भी किल नहीं मिलते और मैं काफ़ी मीन्स सेफ नहीं बोलूँगा बिकॉज
मैं सेकंड जोन से ही पूरा एकदम जोन टू जोन खेल रहा था, तो मैं सेफ तो नहीं खेलता, लेकिन यहाँ यासना है कोई नहीं आया रहता। मैं वापस से मीन्स अभी बैक साइड में जाता हूँ मैंशन के तरफ कंपाउंड्स वगैरह पे, तो उधर भी भाई पूरा सब कुछ लूटेड रहता लेकिन कोई बंदा दिखता नहीं। तो मैं वापस से भाई अपनी गाड़ी घुमाता हूँ और फिर मैं कहता हूँ सीधा चलते हैं जोन में, और जोन में बंदे बंदे दिखेंगे तो उनको मारेंगे, ड्रॉप मिलेगा तो लूटेंगे। एक्चुअली गाइस अभी मेरा यही रहता है हमेशा के लिए, मीन्स कि ड्रॉप मिल जाए तो लूट लो, बिकॉज एक ड्रॉप की वेपन अगर आ गई हाथ में तो अभी तो भाई मज़ा आ जाता है। मीन्स कुछ भी कोई भी गन मिल जाए तो तुम्हारा काम वहाँ पर ना बहुत ईजी कर देती है। तो अभी के लिए मेरे लिए पास यहाँ पे भाई यूजी और स्कारल थी, और मैं यहाँ पे रुक के हीलअप वीलअप कर लेता हूँ। और मुझे लग रहा था गाइस इस मैच में एक हैकर है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, वो शायद से पहले ही मर जाता है और वो बंदा शायद लेजिट रहता है। मेरे को बस ऐसा डाउट हो रहा था बिकॉज उसने उतरते ही भाई तीन चार बंदे और फिर साथ में तीन चार बॉट भी मार दिए, तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि मे भी कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो अभी के लिए देखो यहाँ पे मैं गाड़ी लेके इधर ही ऐसा नॉर्मली घुमा रहा था बिकॉज ड्रॉप आने का वेट कर रहा था, और इतने में मुझे यहाँ पे दिखती है एक गाड़ी, और ये बंदा भी जस्ट जैसे मैं आता हूँ वैसे ही आया था और तुरंत मेरे सामने ही शैक में घुसा था। तो मैं क्या करता हूँ गाड़ी को पूरा ऊपर से घुमाता हूँ और जाके भी ऊपर से देखो यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ कि इसको भाई अभी थोड़ी बहुत उंगली करेंगे, मे बी ये बाहर आए तो ईजिली मैं इसको मार सकूँ। देखो यहाँ पे मैं पेड़ पे आके बैठ गया और मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से उसके गाड़ी के टायर वगैरह फोड़ दूँ, तो भाई शायद से वो बाहर निकले। तो यहाँ पे भाई उसके दोनों टायर तो फोड़ दिए मैंने, लेकिन वो बंदा पीक विक नहीं करता, बीच में फायर देता है लेकिन उससे कुछ होता नहीं। और मैं भी ट्राई करता हूँ तो मुझे समझ आ जाता है भाई देखो मत करो छोड़ो जान दो, अपना जोन पकड़ते हैं। जोन बन चुका था और इस वक्त गाइज मैं जोन को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, इसलिए मैं जोन के लिए निकल जाता हूँ। और जोन में गाइज अभी मैं एक ऐसी पोजीशन पकड़ने वाला हूँ जिसके बाद मेरे को दबा के मीन्स ढंग के खेल मिलने वाले हैं। तो देखो सेंटर खेलना मेरा, मैं हमेशा से कहता हूँ गाइज कि ढंग से मीन्स तीन जोन सर्वाइव करो उसके बाद सेंटर पकड़ो और फिर बूम बाम कर दो सबका। तो यहाँ पे गाइज मैं थोड़ा सा ट्राई और करता हूँ कि अगर बाहर दिखे तो मार दूँ, लेकिन नहीं होता तो फिर मैं भाई अपना जाऊँगा सीधा एक पोजीशन पकड़ता हूँ और वहाँ से फिर मैं निकालने वाला हूँ किल्स। तो देखो अभी मैंने सोचा था वो ब्रिज लेफ्ट में जो होता है वहाँ जाऊँ, लेकिन यहाँ पे देखो मेरा कुछ ग्लिच व्लिच हो जाता है, मीन्स गाड़ी लेफ्ट राइट हो ही नहीं रही थी। तो पहले रोक के भाई वापस से उतर के वापस से इधर आता हूँ और यहीं पे रुकता हूँ बिकॉज वो ब्रिज के साइड में से अभी फायरिंग वायरिंग हो रही थी, और दोनों ब्रिज के दोनों इस पे जो आपका वो होता है मशरूम हाउस होता है उसमें दोनों में बंदे बैठे हुए थे, एक के पास तो AWM भी है। तो अभी देखो यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखता है, इसको मैं मारने का ट्राई करता रहता हूँ, घासों की वजह से सही से दिखता नहीं, और जब स्प्रे लेता हूँ तो एक बुलेट कनेक्ट होती है बाकी सारी मिस हो जाती है। और AWM वाला बंदा उधर से AWM भी चला रहा था, तो मुझे डर लग रहा था भाई मुझे ना मार दे वो। तो मैं वापस से अंदर आके बैठ के अफसोस ही कर रहा था कि भाई स्प्रे हक दिया यार, M4 होती तो मार देता। उतने में अभी एक फ्री किल मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। एक्चुअली गाइस इसको दोनों बंदे मींस ऑलरेडी मार रहे थे, और ये बंदा इधर आता है कवर लेने के लिए और मैं इसको यहाँ पे एक गोली मार के इजीली मार देता हूँ। और यहाँ घर पे मुझे एक बंदा दिखता है तो उस पर स्प्रे लेता हूँ, मुझे पता तो है मरेगा नहीं बट हाँ थोड़ा सा ले लेते हैं। और यहाँ पे भी एक गाड़ी मेरे पे पुश करती रहती है, मुझे साउंड आता है तो मैं देखो कैसे मारता हूँ। एक्चुअली भाई यहाँ पीछे पहाड़ के काफ़ी देर से फाइट हो रही थी तो मुझे पता था ये बंदा निकलेगा, और ये निकलता है, मैं इसको डैमेज देता हूँ, दो बुलेट पहले हिट हो चुकी थी। उसके बाद इजीली भाई ये बंदा अंधा फ्री फायर दे रहा था, तो फ्री फायर ख़त्म होने का वेट किया मैंने, और जैसे ही उसका गन रिलोड आता है ईजिली जाके मार देता हूँ। और अभी मुझे इधर के साइड में एक बंदा दिखता है मिस्टर फ्लैश करके, ये जो अपने किल फीड में देखा तो यहाँ पे दिखता है, और उसकी वजह से मेरे यहाँ पे भाई दो स्मोक्स और वेस्ट होने वाले। मैंने यहाँ पे एक स्मोक किया कि मुझे लगा कि भाई यहाँ स्मोक ये बॉक्स जो होगा वो स्मोक में आ चुका होगा तो मैं ईजिली लूट लूँगा, और फिर मैं यहाँ पे एक और स्मोक कर देता हूँ कि भाई वो बॉडी लूटने को मिल जाए। लेकिन अभी देखना वो बॉडी तो भाई स्मोक के बाहर ही रहती है हमेशा, और यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो मुझे भाई मैं ओपन लूटने का रिस्क नहीं ले सकते, बॉस AWM थी और सामने वो एक और बंदा भी था। तो मैं एक और स्मोक करता हूँ कि भाई बॉक्स से मुझे स्मोक तो मिल ही जाएंगे, कर लेते हैं क्या दिक्कत है। तो मैं यहाँ पे फिर भाई कैसे भी करके लूट लेता हूँ, ये स्मोक भी ढंग से नहीं हुआ था, लेकिन भाई उस बंदे के बॉक्स से मुझे एक भी स्मोक नहीं मिलता। और यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, देखो कैसे स्प्रे लेते हैं। तो गाइस पहला स्प्रे तो उतना अच्छा कनेक्ट नहीं होता, उस बंदे को एक बुलेट हिट होती है, लेकिन ये बग्गी पे देखो क्या स्प्रे देते हैं अभी। तो मुझे लगा नहीं था वो यहीं पे रुक जाएगा, लेकिन वो बंदा वहीं पे रुक जाता है, उसको इजीली मार देते हैं। और अभी के सीन गाइस ऐसा है कि मेरे पास एक भी स्मोक नहीं है और जोन मेरे से आगे जा चुका है, तो यहाँ पे मैं जो एक ओनली चीज़ कर सकता था जिंदा रहने के लिए कि सबसे लास्ट में निकलूं, बिकॉज गाड़ी तो है मेरे पास और लेफ्ट में वो जो मिस्टर फ्लैश करके बंदा है उसको मैं जाने दूँ जोन पहले।
तो गाइज़ ये बंदा वो क्या नाम है उधर स्नाइपर टावर में बैठा हुआ था, बाद में गाइज़ वो ऑल पे आके मेरे से बात भी करता है। तो अभी यहाँ पे होता क्या है कि मैं उसको मारता हूँ और जैसे ही लेफ्ट में देखता हूँ तो लेफ्ट में स्मोक में एक बंदा जाके मेरे सामने लेट जाता है, तो उसको भी वहाँ पे आराम से मार देते हैं। और यहाँ पे मैं जोन पकड़ने आता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ थोड़ा सा गलत हो जाने वाला है, मैं मीन्स थोड़ा सा ओपन फंस जाता हूँ। और मैं यहाँ पे आके भाई देखो प्रोन करता हूँ, और मुझे यहीं पे रुकना था, मीन्स जस्ट ये टायरों के पास में, टायरों के बीच में घुस के, लेकिन मैं पीछे साइड चल जाता हूँ बिकॉज सामने के साइड एक बग्गी वाला आके रुक गया था। और मैं यहाँ पे हील अप करने लगता हूँ, मैंने पीछे देखा मुझे कुछ दिखा नहीं, तो मैं इधर क्लियर हो गया था कि भाई चलो आराम से इधर हील अप कर सकते हैं। लेकिन तभी भाई मेरे को पीछे से पड़ जाती है बंदे का स्प्रे, और यहाँ पे गाइस मेरे पे अगर इस एक स्मोक रहा होता तो मैं लास्ट तक सर्वाइव कर लेता। तो दैट इज इट फॉर टुडे यार, वीडियो कैसी लगी आज की कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।